हेलो फ्रेंड्स, वी विल लर्न इन टुडेज वीडियो हाउ टू यूज इंस्टाटेड इन एंजल स्पार्क। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम इंस्टाटेड का यूज़ एंजल स्पार्क एप्लीकेशन में कैसे कर सकते हैं। तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आपके पास एंजल स्पार्क एप्लीकेशन नहीं है या एंजल वन का डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आज ही अपना फ्री में डीमेट अकाउंट एंजल वन के साथ ओपन करें और एंजल वन की शानदार फैसिलिटी का आप यहाँ से फ़ायदा लें। दोस्तों, इंस्टाटेड फैसिलिटी एक शानदार फैसिलिटी है। यह फैसिलिटी का यूज़ करके आप सेम विंडो के ऊपर आप अपने ऑर्डर का स्टेटस चेक कर सकते हैं। ऑर्डर की डिटेल आप देख सकते हैं। आप अपने पोजीशन में आप किस प्रकार से टूल्स का यूज कर सकते हैं आप सेम विंडो पे देख सकते हैं। यही सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में सीखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिए क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो और काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आप इस वीडियो में आप आखिर तक ये बने रहिए। तो सिंपली आपको एंजल स्पार्क एप्लीकेशन को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको नीचे स्लाइड करना है। जैसे नीचे स्लाइड करते हैं तो आपको इंस्टाट्रेड का एफ एंड ओ इजीली ट्रेड ऑन निफ्टी बैंक निफ्टी विथ ऑप्शन चैन चार्ट एंड पी एंड एल इन वन प्लेस में आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास इंस्टाट्रेड का एफ एंड ओ की विंडो ओपन हो जाती है। यह विंडो आपको एंजल स्पार्क में देखने को मिलेंगी। तो आपके सामने क्या है कि आपके सामने बाय डिफ़ॉल्ट निफ्टी का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ मिलेगा। अगर आप चाहते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगाना तो सिंपली आप यहाँ से एक बैंक निफ्टी पे क्लिक करेंगे तो आपका चार्ट यहाँ पे तुरंत ही बैंक निफ्टी में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ ही हम यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी स्टॉक का चार्ट लगाना है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे IRCTC का चार्ट लगाना चाहते हैं तो IRCTC हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। IRCTC को हम यहाँ पे NSE का चार्ट लगाएंगे तो आपको देखने को मिलता है कि हमारे सामने IRCTC का भी चार्ट लग चुका है। यानी कि ये काफ़ी हेल्पफुल फीचर है एंजल स्पार्क का। तो हम इंस्टाट्रेड पे आ गए। अब इसके बाद अगर हमको निफ्टी का एनालिसिस करना है तो हमें निफ्टी के ऊपर क्लिक करना है। निफ्टी के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने निफ्टी का चार्ट यहाँ पे लग जाता है। निफ्टी का चार्ट लगने के बाद हमें यहाँ पे अगर कोई भी टूल को लगाना है या कोई भी इंडिकेटर हमको ड्रॉ करना है तो हमारे सामने यहाँ पे ट्रेंड लाइन का फीचर मिल जाता है, टेक्स्ट का फीचर मिल जाता है और इसके साथ ही अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम यहाँ से लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पे कोई एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक कर दूँगा, ट्रेंड लाइन के ऑप्शन पर आऊँगा। यहाँ पर आने के बाद एक पॉइंटर को मैं जैसे कि इसका हाई पॉइंटर पे मैं इसको रख देता हूँ और यहाँ पे सिंपली एक टैप करता हूँ और इसको लेके मैं एक डाउन साइड में इसको क्लिक करके एक पॉइंटर को यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे ट्रेंड लाइन लग जाती है जो मुझे मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगी कि मार्केट किस ट्रेंड में काम कर रहा है। तो इस प्रकार से एंजल स्पार्क एप्लीकेशन में सिंपली यहाँ से टूल भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ से हमें कैंडल को चेंज करना है, जैसे कि सिंपल कैंडल है, मैं यहाँ पे जाता हूँ कि मैं यहाँ से हेकेनसी कैंडल का यूज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ पे कैंडल्स के पे क्लिक करने के बाद हेकेनसी के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो मेरे पास जो कैंडल है ये तुरंत ही चेंज होकर हेकेनसी कैंडल बन जाती है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ से ट्रेड लगाना है, मैं यहाँ पे ट्रेड लगाना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ पे बाय कॉल एंड बाय पुट की मुझे यहाँ बटन देखने को मिलती है। इसके साथ ही अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे निफ्टी में पोजीशन बनानी है तो पोजीशन बनाने के लिए मैं ऑप्शन चेन का यूज़ करना चाहता हूँ तो नीचे मुझे ऑप्शन चेन का एक बटन देखने को मिल जाता है। सिंपली इस बटन पे मुझे यहाँ पे प्रेस करना होता है। मैं जैसे प्रेस करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ ऑप्शन चेन ओपन हो जाता है। अगर मुझे लगता है कि निफ्टी ऊपर अपसाइड मूव कर सकता है, जैसे निफ्टी इस समय 18,027 पर ट्रेड कर रहा है और इसका जो स्पॉट मुझे देखने को मिल रहा है, स्पॉट बिल्डअप जो है ये 18,027 पे इस समय बना हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे निफ्टी का 18,000 का कॉल मुझे परचेस करना चाहिए तो मैं LTP का जो 124 है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे 18,000 का पुट मुझे लेना चाहिए तो मैं यहाँ पे LTP जो 72 रुपीज़ पर चला है इस पर मैं क्लिक करूँगा। सपोज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर मेरा व्यू सपोज़ प्लस साइड में है, मार्केट के अप साइड में है तो मैं 124 यानी कि 124 का जो LTP है इसके ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ऑर्डर विंडो लग जाती है। सिंपली मुझे यहाँ पे बाय बटन पे क्लिक करना होता है। मैं यहाँ बाय बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे जो लॉट है आपको देखने को मिलता है कि अगर मैं यहाँ पे एक लॉट में 50 क्वान्टिटी आती है तो सिंपली मुझे यहाँ पे 1 टाइप करना होगा और जो इसका प्राइस है ये प्राइस मुझे यहाँ पे सो होगा। मैं यहाँ से अपना प्राइस यहाँ चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मुझे मार्केट में लेना है तो मैं मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे मैं ले सकता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ लिमिट ऑर्डर सेट करूँगा तो मैं यहाँ एक लॉट परचेस करना चाहूँगा और इसका जो प्राइस है मैं चाहता हूँ कि मैं इसको
110 पे परचेज करना चाहता हूँ। मैं जिस प्राइस में इसको लेना चाहता हूँ तो ये प्राइस मेरे सामने यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब मुझे कितने चार्जेस के अतिरिक्त देना होगा तो ये चार्जेस का बटन मुझे साइड में देखने को मिलता है। इसके ऊपर मैं सिंपली क्लिक करता हूँ तो जैसे मुझे देखने को मिलता है कि जो एंजल वन जो का जो ब्रोकरेज है ये 20 रुपीज़ पर लॉट का पर ट्रेड का लगता है। अगर मैं एक ट्रेड लूँगा तो भी मुझे यहाँ पर 20 रुपीज़ लगेगा। अगर मैं यहाँ पे 10 लॉट लूँगा तो भी मुझे यहाँ पे 20 रुपीज़ लगेगा। टोटल जो चार्जेस है जो सेवी चार्जेस है स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस है टोटल मिला के मुझे 27.21 रुपीज़ लगेगा। अगर मैं यहाँ पे 10 लॉट लेना चाहता हूँ तो मुझे इसमें कितने चार्जेस लगेंगे ये भी मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे 55,000 लगता है लेकिन यहाँ पे जो चार्जेस है कितना लगेगा ये मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे देखने को मिलेगा कि जो ब्रोकरेज है एंजल वन का यह सिर्फ 20 रुपीज़ लगेगा लेकिन जो एक्सटर्नल चार्जेस है जो स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस है जिसे मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाती है कि जो चार्जेस है यहाँ पे देखने को मिलेगा और जो टोटल चार्जेस है ये 59.71 यहाँ पे लगता है। ये वन साइड का हो गया। इतने ही चार्जेस जब आप अपनी ऑर्डर एग्जीक्यूट ऑर्डर को आप स्क्वेयर ऑफ करेंगे पोजिशन इतना चार्जेस आपको उस समय भी देना होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे चार्जेस आप देख सकते हैं और अपना ऑर्डर यहाँ पे लगाने के लिए सिंपली बाय बटन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको कंफर्म बाय पे क्लिक करना होगा। जैसे आप कंफर्म करते हैं तो आपका ऑर्डर यहाँ लग जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं अभी मार्केट क्लोज हो चुका है। मार्केट 8:45 पे मंडे के समय यह ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। 8:45 to 9 के आसपास ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। इसको यस कर देंगे तो हमारा ऑर्डर यहाँ से लग जाएगा। तो जो हमारा ऑर्डर है सबमिट हो चुका है तो सबमिट ऑर्डर हमारे सामने लग जाता है। तो इस प्रकार से इतना आसान तरीके से हम यहाँ से एंजल स्पार्क एप्लीकेशन का यूज़ करके हम ऑर्डर लगा सकते हैं। ऑर्डर लगने के बाद ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके साथ ही हम चार्ट का एनालिसिस हम सेम विंडो पे कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना आसान होता है एंजल स्पार्क एप्लीकेशन में इंस्टाट्रेड का यूज़ करना। तो आप भी एंजल स्पार्क एप्लीकेशन में इंस्टाट्रेड का यूज़ कीजिए और सेम विंडो पे आप अपने चार्ट का एनालिसिस कीजिए। दोस्तों अदर ब्रोकर हाउस के अपेक्षा आपको एंजल स्पार्क एप्लीकेशन में ये फैसिलिटी आपको देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव काफ़ी आसान है और काफ़ी बेनिफिशियल ये फैसिलिटीज़ है। तो इस फैसिलिटी का आप यूज़ कीजिए और अपने ट्रेडिंग जर्नी को वो ज़्यादा ईजी और ज़्यादा आसान बनाइए। दोस्तों यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन के लिए है। यहाँ पे जो भी जानकारी बताई गई है सिर्फ आपके एजुकेशन के लिए है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको समय समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।